गाइस एंड वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल मूवीज अड्डा और मैं हूँ आपकी होस्ट फलक। दोस्तों जैसे कि यू नो बहुत सारे स्पेकुलेशंस चल रहे थे कि शायद सलमान खान नहीं होस्ट करेंगे इस साल का बिग बॉस, तो मैं आपको बता दूं कि कंफर्मेशन आ गई है। जी हाँ, भाईजान ने कहा है कि वो होस्ट करने वाले हैं बिग बॉस सीजन 11। और खासियत ये है इस सीजन की कि यहाँ पर होने वाले हैं कॉमनर्स एंड नो सेलिब्रिटीज। तो चलिए आइए लोगों से पूछते हैं कि अगर उन्हें चांस मिला बिग बॉस में जाने का तो क्या वो जाना चाहेंगे और क्या वो एक्साइटेड है सलमान खान को फिर से बिग बॉस में देखने के लिए। चलिए लेट्स गो। तो जैसे कि आपको पता है कि सलमान खान अब आने वाले हैं बिग बॉस सीजन 11 में, तो क्या आप उन्हें बिग बॉस में फिर से सीजन में देखने के लिए एक्साइटेड? हाँ, एक्साइटेड हूँ, वही रहने चाहिए होस्ट के लिए। एक्चुअली वो रहेंगे तो अच्छा चलता है। अभी हम बहुत एक्साइटेड हैं उनको देखने के लिए, बिकॉज ही कैन ओनली हैंडल बिग बॉस वेरी नाइसली, सो सुपर प्लीज हैंडलिंग राइट नाउ। यस, वी आर एक्साइटेड, आई एम सो एक्साइटेड। वो सलमान खान ही आने को ना बिग बॉस, नहीं तो बिग बॉस की मजा ही नहीं है। बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत एंजॉयमेंट कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे उनके द्वारा। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत सारे रीजन से एक्साइटेड होने के, उनके वजह से हार्ट किसी का नहीं है और आई थिंक उनके जैसा होस्ट मैंने आज तक नहीं देखा। ऑफ कोर्स अमिताभ बच्चन की हिंदी अच्छी है, शाहरुख खान बहुत अच्छे फन कर लेते हैं, लेकिन एक कॉमन मैन को जो कॉमन आदमी सलमान के अंदर दिखता है, मेरे को वो मुझे नहीं लगता किसी को भी दूसरे एक्टर के अंदर दिखा। मैम ये शो है तो सलमान खान है तो ऑब्वियसली देखना तो पड़ेगा ही, सलमान खान है तो इसलिए। व्हाई नॉट सलमान को देखने के लिए यार, एनी टाइम, वी हैव कम ऑल द वे टू हिज होम, जस्ट गेट अ ग्लिम्स ऑफ हिम, तब तो भी नहीं। ऑडियंस को भी ये लगता है कि बिग बॉस में वो आए तो ऑडियंस भी एक्साइटेड रहते हैं सलमान को देखने के लिए। और इस साल वो लोग का ये रूल है कि इस साल सेलिब्रिटीज नहीं आने वाले हैं बिग बॉस में, सिर्फ जो आम जनता है वो आने वाली है, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? सपोज अगर आपको चांस मिल गया बिग बॉस में जाने के लिए तो क्या आप जाना? बिल्कुल जाना चाहूंगा, बिल्कुल जाना चाहूंगा, आई विल डेफिनेटली गो। फॉर सलमान खान वी हैव टू गो इन द बिग बॉस एज अ कंटेस्टेंट। या ऑब्वियसली वो तो सबका सपना रहता है कि बिग बॉस में चांस मिलना, लोग मेहनत करते तो नहीं मिलता है, फिर भी अगर सलमान वहाँ पे आते हैं ना बिग बॉस में तो कोई सेलिब्रिटी दूसरे सेलिब्रिटी की जरूरत नहीं पड़ती। फर्स्ट पर्सन आई विल गो देयर। अभी जाना तो चाहोगे लेकिन यू नो आप एक टैलेंट की जरूरत है एंड यू नो एक मिर्च मसाला की जरूरत है, तो आप क्या करोगे ताकि आप वो एंड तक फाइट कर पाओ? मेरे अंदर क्या क्या टैलेंट है अभी तो मैं प्रूफ नहीं कर सकता हूँ, वो तो हम बिग बॉस में जाने के बाद में ही प्रूफ करेंगे ना। मतलब ऐसा कुछ होएगा मतलब उससे उनका ध्यान हमारी तरफ अट्रैक्ट हो, वी विल टॉक इन सच अ वे दैट उनको मतलब यू हैव टू सी मतलब समथिंग इज देयर इन दिस बंदा, ऐसा बोलेंगे। या तो फाइटिंग करूंगी तभी आप टिक सकते हो, नहीं तो नहीं। अगर आप भोले भाले सतीश सावित्री, ना फिर तो आप फर्स्ट ही आउट। जो भी अब से हमसे बनेगा वही करेंगे, हम भी वही करेंगे, बहुत मस्ती एंजॉय, एक मेक की चुगलियां, झगड़े, फाइटिंग। अब ऐसा क्या, जो फन मस्ती यहाँ चल रही है वो वहाँ चलेगी। मुझे जाने मिला तो मैं अच्छी अच्छी बातें करूँगी, क्वेश्चन पूछेंगे उसका जवाब दूंगी और अच्छे से जिएंगे, और मतलब जिंदगी कैसे जीते हैं कॉमन तरीके से प्रॉब्ली बहुत कम लोग दिखा पाए वो चीज़। एंड एक चीज़ मैं नहीं करूँगा बिल्कुल भी, मैं स्वामी ओम नहीं बनूंगा। मस्ती भी करेंगे, झगड़ा भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। रहेगा ना बिग बॉस में, ऑब्वियसली मस्ती से ही नहीं चलता है। बस मैम वही मौज मस्ती, लड़ाई झगड़े जो होता है नॉर्मली, वही हम चीज़ वही फॉलो करेंगे, और अगर खाना बनाने की नौबत आई तो यस मैम बना लेते हैं, हम तो खाना सब बनाते हैं, और लड़ाई झगड़े जो यानी कि जो उसमें जरूरी होगा वो पूरा करने के लिए तैयार रहेंगे। मैं तो हर चीज करने के लिए रेडी हूँ, चुगली भी, तभी लोग वही ज्यादा लॉन्ग टाइम टिकते हैं, ये सही बैग है। इतना तहलका मजा देगी कि बिग बॉस में लास्ट तक टिके रहेंगे। नो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डू फाइटिंग ओनली, नथिंग एल्स। अगर कुछ टैलेंट दिखाने की बात आई, no, talent means talent is fighting only, nothing else. अगर उनके साथ कोई एक co-host को बुलाया जाए, कोई actress को, तो कौन सी actress होनी चाहिए उनके opposite? बिग बॉस सलमान खान को कोई एक्ट्रेस की गरज ही नहीं, वो खुद ही एक एक्ट्रेस है, एक्ट्रेस है। देखना चाहेंगे प्रियंका को। प्रियंका को, प्रियंका क्यों? शायद पॉसिबल नहीं होगा, बट आई वुड लव टू सी ऐश्वर्या, बट पॉसिबल करने की बात नहीं, इतने बड़े एक्ट्रेस की किसी की जरूरत ही नहीं है। पिक्चर में सलमान खान हीरोइन की कोई गरज ही नहीं, सलमान खान को ही लोग देखने आते हैं। ऐश्वर्या मैम, ऐश्वर्या राय, ओ माय गॉड, आई थिंक दीपिका पादुकोण मैम, क्योंकि मुझे ऐश्वर्या के संग उनकी जोड़ी अच्छी लगती है, तो इसलिए थोड़ा ऐश्वर्या। वो जोड़ी टूट चुकी है, कोई भी दिक्कत नहीं उनके नीड के लिए, कैटरीना कैफ आ जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आई थिंक दीपिका विल बी ग्रेट।
It will be great, yeah. Zuzu! 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 Zuzu. Yes. We want Zuzu to host Big Boss. And Salman Khan, what do you want to give to Big Boss ke liye, to see him as a host again? Looking evergreen, just look like that only. This is so, yehi hai ki Bhagwan unko bahut khush rakhe aur unka jo Big Boss hai wo bahut upar tak jaye. So guys, आप लोगों ने देखा कि ऐसे फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड है सलमान खान को फिर से बिग बॉस होस्ट करते हुए देखने के लिए. एंड आप मुझे बताइए कि अगर आपको चांस मिला बिग बॉस सीजन 11 के घर में जाने का तो क्या आप जाना पसंद करोगे और क्यों? प्लीज कमेंट डाउन एंड प्लीज लेट मी नो व्हाई. एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन, शेयर, सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल मूवीज अड्डा. अंटिल देन, साइनिंग ऑफ. बाय बाय.